चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है। कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो बड़ी इम्पोर्टेंट केस थी माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय चीफ जस्टिस साहब के फुल बेंच के सामने। तो ये बात रिस्पेक्टेड कलर चैनल्स को भी पता थी, सलमान खान जी को भी पता थी, और सारी टीम को भी पता थी, और हमने उस तरह से उनको पहले ही बताया भी था। तो बड़े अदर रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि केस ही उतनी मजबूत और ज़रूरी थी कि वो आरक्षण, 50% से ज़्यादा आरक्षण देश के फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो संविधान का है, उसके संदर्भ में केस थी। आरक्षण नहीं 50% से ज़्यादा होना चाहिए करके, वो भी बिग बॉस जैसे ही इम्पोर्टेंट थी। और जयश्री जी उस केस को 2014 से लड़ रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण केस की वजह से जो है, हम केस के लिए जाने के लिए बिग बॉस ने हमें इजाज़त दी थी। मैं, लेकिन अब आप निकल गए तो लोग आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। आपका जो बिहेवियर था, आपकी जो पर्सनैलिटी थी, लोगों को हंसाना, फिर बोलना लोगों के लिए, तो वो काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं। आप कितना मिस कर रहे हो अभी बिग बॉस से निकल कर? देखिए, मुझे तो ऐसा है ना कि मिसिंग बोलना नहीं चाहता हूँ मैं, कि मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे जो लगते जिगर जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे चाहते हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूर आने वाले समय में चीज़ें ठीक ठाक से होने पर फिर से मैं बिग बॉस में जाऊँगा, क्योंकि उसी तरह से बात हुई है। तो ज़्यादा स्ट्रेस होने की मेरे भाइयों, साथियों, लगते जिगर जो भी है, मैं फैंस नहीं कहता हूँ, फैंस थोड़ा दूर का रिश्ता होता है। तो मैं सारे सारे ही देश में के, विदेश में के, मेरा हमारी साथ, मेरा जो साथी है, जो हमारा जो रिश्ता है, वो ज़्यादा फुटपाती भाई बहनों से होता है। टैक्सी ड्राइवर, रिक्शे वाले, दिहाड़ी मजदूर, वो हमारे अपने लगते हैं। ज़्यादा सभी अपने हैं, लेकिन वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो कष्ट करने वाले लोगों से हम जुड़े हैं, सांस की तरह जुड़े हैं। तो उन सारे हमारी सांस रहने वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हम जल्दी ही उनकी मनीषा पूरी करने के लिए फिर बिग बॉस में रियलिटी, जीवन की सच्चाई डंके की चोट पे बताने के लिए आएंगे। सर, इवन सलमान खान जी ने भी कहा था कि पहले दिन तो आप एकदम शांत थे, लेकिन दूसरे दिन से जब आपका बिहेवियर लोगों ने देखा, उनको भी काफी पसंद आया, लोगों ने काफी पसंद किया, तो आप पहले दिन इसलिए शांत थे कि आपको पता नहीं था कौन कैसा है, दूसरे दिन इसलिए आप इतना ओपन हो गए कि आपको पता चल गया मेरे अगेंस्ट कौन है और कंटेस्टेंट कौन है, क्या कुछ रीजन था? देखिए, वहाँ पे जो है अधिकतर कलाकार है, और वो कलाकार स्ट्रगलिंग कलाकार है। हम उन कलाकारों के सामने भी और सलमान के सामने भी कहते, वो हमको कैसे लगते हैं, उबले चने, फ्यूचर हीरो। तो हम अभी तक किसी को भी अपना प्रतिद्वंदी मानते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कलाकार किरदार के साथ आता है, स्क्रिप्ट की सोच के साथ आता है। इसीलिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसीलिए तो ये पब्लिक है, सब जानती है। और इसीलिए हमें आपकी तरफ से, सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से, फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए ये पता चला है कि लोगों ने हमें अपने दिल में जगह बनाई है और दिमाग में एक नंबर दिया। जब आप घर में थे या फिर जब आप मतलब बिग बॉस में जाने वाले थे, तब सौरभ जी का और इनका कितना सपोर्ट मिला था और अब कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, जयश्री जी के बारे में कहूँ तो वो मेरी सांस है, वो सासू बहू वाली सांस नहीं, मेरी ब्रीदिंग वाली सांस है। मेरे जिंदगी के अंदर का अधिकतर जो जीवन की बुनाई, जीवन को खड़ा करने का जो पूरा श्रेय है, वो जयश्री जी को जाता है। मेरे सोच को बढ़ावा देने से लेकर तो मेरे लिविंग स्टाइल तक, मेरी कोर्ट के अंदर मैं किस तरह से अपनी बात रखूं वहाँ तक, तो उस वजह से तो मैं जयश्री जी को जिस बार, पहली बार साली को पटाने के लिए, वो कौन सा सेंटर हुआ करता था हमारे ज़माने में, वो एसटीडी बूथ में, लैंडमार्क यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय इनको पहले देखा था, और वहीं से हमारे पास वो गाड़ी थी यामा RX 100, पीछा करते हुए इनके गए थे, क्योंकि इन्हें हमने डंके की चोट पे तय किया था कि इसको पटाऊंगा। और फिर है ना, इनको हमारी सबसे खूबी पसंद आई, पहली बार
हमने इनको डीप किस किया था, डीप किस किया था, तो उस वजह से इनका तो जीवन में जितना मूल्य मोल हम कर ही नहीं सकते हैं। और रही सौरभ की बात, सौरभ एक बहुत ही यानी कैसे वो कला जीव कला जगत से आते हैं, तो जब ये 12वें सीजन में बराबर ना 12वें सीजन में थे जब ही हमसे इनकी पहचान हुई थी, इन्होंने तस्वीर भी उतारी थी हमारे साथ, तो एक हमने इनसे कुछ बातें जानी थी, तो वो भी हमें जीवन में बड़ा आनंद दे गई थी। और कला के बारे में कला जगत के बारे में इनसे हमने काफ़ी सारी बातें समझी है जानी है। सौरभ जी, आप किस प्रकार की तैयारियां करके भेजे थे सर को? तैयारियां क्या करानी उनको यार, वो तो रोज ही तैयार रहते हैं कोर्ट में, इतने बड़े बड़े केस लड़ते हैं, और उनके लिए क्या तैयारियां कराएंगे। अब आर्मी वालों को आप बोलोगे कि देश के लिए कैसे लड़ना है, तो तैयारियां कुछ नहीं थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बताने पड़ते हैं, जो गेम में होते हैं, जो मैनिपुलेशन होता है, जो रिश्ते बनते हैं, तो वो बताना ज़रूरी था कि एक इंसान इमोशनली रिश्ता बनाता है और बाहर तू कौन और मैं कौन, तो वो सब तो थोड़ी सी टिप्स देना चाहिए, क्योंकि हम फैमिली जैसे हैं और एक फैमिली मेंबर की तरह हैं, मुझे छोटा भाई जैसे मानते हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि मैं एक फैमिली की तरह हूँ और मैं कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ सपोर्ट कर पा रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैं उस जगह से गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि कितने वीक पॉइंट हैं और कितनी चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल करेंगे उस चीज़ों को, उस रिश्ते को बना के, तो वो सब सारी चीज़ों की बात हुई थी। बाकी तो आप गेम देख ही रहे हैं कितना कमाल का खेल रहे हैं और बिंदास खेल रहे हैं और रियल खेल रहे हैं। इवन सर, जैसे कि रिश्ते की बात हुई, तो आपको क्या लगा कि अब जितना दिन थे कि कौन रियल है या फिर कौन फेक है, कौन आपके अगेंस्ट खेल रहा था, आपको क्या लगा? देखिए, हमारे अगेंस्ट और हमें दबाने की कोई कोशिश कोई करने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। हम दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी को अपने बूट के नीचे दबाने के लिए, कुचलने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमें तो कोई हमसे कोई वो पंगा लेगा नहीं, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, हम डाकुओं के खानदान से आते हैं, तो हम बचपन से ऐसे हैं, तो इसीलिए हमसे तो कोई उलझा नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो कला जगत है, जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, बॉलीवुड ने पवित्रता रखनी चाहिए, अंडरवर्ल्ड से दूरी रखनी चाहिए। कलाकार बड़े अच्छे हैं, सारे कलाकार अच्छे हैं, शाहरुख जी अच्छे हैं, सलमान जी अच्छे हैं, गोविंदा जी अच्छे हैं, कंगना जी अच्छी है, सब सारे कलाकार अच्छे हैं, लेकिन है ना, किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए गलत हाथों में न लग जाए, ये ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि हमें लोग जो बताते हैं छोटी छोटी बातें दुनिया के बारे में बताते हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से अपने क्या नाम है उनका, वो आए थे, वो जिलेबी भाई गाना गाया था, वो गाना चला था, तो उस समय एक उन्हीं के हमारे में मलिका कुछ, हाँ वो जब आए थे तब याद है आपको कि बॉलीवुड ने आपसे अन्याय किया, ऐसा एक जन ने बोला था वहाँ पे, तो जब हमने कुछ समझने की कोशिश की तो हम ये समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पर बाहरी ताकतें भी काम करती हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन, ऐसे तीन जन जिनका गेम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? 17 खिलाड़ी समान खेल रहे हैं, वो खतरा हमें समझते हैं, क्योंकि जनता ने हम पे मन पे लिया है, हम बात खुली रखते हैं, ओपन माइंड है, तो 17 लोगों को किरदार से बाहर आना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे। अभी तो फिलहाल के लिए यही कहूँगा कि 17 एक लाइन में है। थैंक यू सर। लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आपका लोग जो वेट कर रहे कि आप फिर से बिग बॉस में दिखें? जरूर जरूर, मेरे लगते जिगर भाइयों साथियों, मेरे चाहने वालों, हम जरूर अपनी बाकी चीज़ें ख़त्म करके फिर से आपके खुशी के लिए, आपके सोच विचार, हमारी खुलेपन की बातें रियलिटी शो में रखने के लिए जरूर हम जल्द ही बिग बॉस कलर्स में जाएंगे, डंके की चोट पे आपको हम वहाँ दिखेंगे। एक शायरी बोल दूँ? बोल दूँ। हम छोटे मोटे दीपक थोड़े हैं जो बुझ जाएंगे, दिवाली के रॉकेट हैं, सीधे घर के अंदर घुस जाएंगे।